किन्होंने? पंडित नेहरू को। पंडित नेहरू ने मतलब अपनी लाइफ दे दी। लाइफ दे दी हिंदुस्तान के लिए। सालों जेल में रहे। अमित शाह जी को शायद हिस्ट्री नहीं मालूम। वो तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूँ कि उनको हिस्ट्री मालूम। वो तो हिस्ट्री को लिखते रीराइट करते रहते हैं। ये पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्ट करने का है। बेसिक इशू जाति जनगणना और जो भागीदारी है इस देश की, जो धन देश का है, वो किसके हाथों में जा रहा है, ये मेन इशू है। और इस इशू को ये लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, इससे डरते हैं, इससे भागते हैं। मगर ये इशू को हम आगे ले जाएंगे और जो गरीब लोगों का हक है वो हम उनको दिलवाएंगे। ठीक है, ये सब डिस्ट्रैक्ट। ये नहीं बिल्कुल नहीं 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 बिल्कुल नहीं निकाला। छत्तीसगढ़ के अंदर ट्राइबल दिया, ओबीसी, आपको लगता है आप लोग? मैंने सुनिए ना, सुनिए, देखिए, हमारा भी ओबीसी था, इन्होंने ओबीसी दिया, ठीक है, वो इशू नहीं है। सवाल ये है कि स्ट्रक्चर के अंदर कितनी भागीदारी है। प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, मगर सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। 90 अफसर में से 3 ओबीसी हैं और जो ओबीसी हैं उनका कोने में ऑफिस है। तो मेरा पॉइंट है कि सरकार का सिस्टम, हमारा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो है पूरा का पूरा, उसमें ओबीसी की कितनी भागीदारी है, दलितों की कितनी भागीदारी है, आदिवासियों की कितनी भागीदारी है, ये हिंदुस्तान के सामने मेन सवाल है। और ये मुझे बोलने दीजिए, आपसे सवाल पूछा तो बोलने दीजिए। हाँ, ये मेन इशू है। और 24 घंटा ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कभी जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलेंगे, कभी किसी और के बारे में बोलेंगे। बात भागीदारी की है। थैंक यू। उसमें उन्होंने समस्या ने यह भी कहा कि भारत